हेलो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका होता है उसके पहला स्टेप होता है कि हम पहले उस लैंग्वेज के बारे में उसका बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं। उस लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है, प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या है, और जो लैंग्वेज के अंदर के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, लूपिंग कैसे करेंगे, डिसीजन स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करेंगे, और उस लैंग्वेज के जो रेगुलर फंक्शंस और कमांड्स हैं उसको सबसे पहले लर्न करते हैं। और जो नेक्स्ट लेवल होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है कि उस लैंग्वेज में हम मिनी प्रोजेक्ट्स बना के उस लैंग्वेज के साथ ज़्यादा इन टच आने की ट्राई करते हैं, और प्रोजेक्ट से हमारा लैंग्वेज के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, जिससे कि हमें लैंग्वेज की एक्चुअल यूटिलिटी समझ में आती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रैंडम जोक जनरेटर ऐप पे वर्क करके सिखाऊंगा कि कैसे हम एक रैंडम जोक ऐप बना सकते हैं, जो कि एक इंटरनेट पे ही एक API को कॉल करके उस API की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक अच्छे से डिस्प्ले में हमें डिस्प्ले करता है, और हमें नेक्स्ट जोक पे जाने का भी ऑप्शन देगा और ट्वीट करने का भी उस जोक को ऑप्शन देगा। अब जो इसका ऐप का फिनिश्ड वाला स्ट्रक्चर है वो उसका मैं आपको एक लुक्स दिखा देता हूँ कि फाइनली हम क्या बनाने वाले हैं। तो जब हम ये ऐप क्रिएट कर लेंगे तो ये इस तरह का हमें ऐप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके सेंटर के अंदर एक हमारा एरिया जिसके अंदर हमें जोक का कंटेंट दिखाई देगा, और नीचे उसके दो बटन हैं, न्यू जोक और ट्वीट, जिसके थ्रू हम न्यू जोक पे क्लिक करेंगे तो जोक रिफ्रेश होके नेक्स्ट जोक क्यू में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा रैंडम जोक जो होगा, और ट्वीट करेंगे तो ये जो करंट जोक स्क्रीन पे है उसको हम अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर सकते हैं। अब तो एक्स हैंडल हो गया, लेकिन मतलब एक्स हैंडल पे उसको शेयर कर सकते हैं। सो अब हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, मान लेते हैं हम न्यू जोक पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट जोक है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से ये जोक ऐप जो है हमें एक नेटवर्क के थ्रू API कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले करने का भी एक कॉन्सेप्ट हमें डेटा हैंडल करने का भी कॉन्सेप्ट दिखाती है, और API हैंडल करने का फेच API हम इसमें यूज करेंगे। अब हम इसके बेसिक्स पे चले जाते हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे। तो अभी तक आप मेरे HTML, CSS और JavaScript तीनों कोर्सेज मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं, और उसमें आप अभी तक ये सीख चुके हैं कि जब हम एक वेब पेज की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज सबसे पहले यूज करते हैं, जिसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। उसको एक डिस्प्ले को लुक्स देने के लिए, उसको विजुअल अपील देने के लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको शॉर्ट में CSS बोलते हैं, वो यूज करते हैं, और प्रोग्रामेटिक चेंजेस और इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्योंकि मेरा फोकस टोटली जावास्क्रिप्ट पे है, तो HTML और CSS हम पहले से यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, और जावास्क्रिप्ट का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा ब्रीफिंग में आपको HTML की भी देना चाहता हूँ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे जो index.html फाइल है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML फाइल का, वो स्ट्रक्चर तो हेड सेक्शन में है, और हेड सेक्शन में लाइन नंबर 6 पे हम देख रहे हैं कि हमने लिंक किया हुआ है स्टाइल शीट .style.css। तो जिस पर्टिकुलर फोल्डर में ये HTML फाइल है उसी फोल्डर में style.css नाम की फाइल हम बनाएंगे, जिसके अंदर स्टाइल रूल्स हम अपने पुट करेंगे, स्टाइल रूल्स हम उसमें डालेंगे। अब इन केस मैं स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करता तो मेरी ये ऐप कैसी नजर आएगी वो भी मैं आपको लुक्स दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर में आपको बिना स्टाइलिंग के ऐप कैसी नजर आएगी वो ये है। तो आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, मैंने पहले आपको ऐप के लुक्स दिखाए थे वो कैसे थे और अब ऐप के लुक्स कैसे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडिंग भी जो है वो नॉर्मल हेडिंग टेक्स्ट है, जोक टेक्स्ट भी नॉर्मल टेक्स्ट में है, बटन्स भी हमारे स्टाइलाइज नहीं है, मतलब नॉर्मल से बटन्स हैं, ट्वीट तो एक हाइपरलिंक की तरह दिख रहा है, और ये उसका फाइनल लुक्स है। तो स्टाइलिंग से हम कितना चेंज ला सकते हैं डॉक्यूमेंट में वो आप यहीं पे, आपको एक फील यहीं पे मिल जाएगा कैसे आप चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करके आपको फाइनल डॉक्यूमेंट पे लेके जाऊंगा। तो स्टाइलिंग मैंने आपसे पहले कहा कि स्टाइलिंग मेरा फोकस इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना कंटेंट, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उस कंटेंट में से मैं स्टाइलिंग यहाँ पे style.css में पेस्ट कर दूंगा। अभी तो ब्लैंक है लेकिन मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि स्टाइल रूल्स पहले से सेट हैं, और एंकर टैग, बटन क्लास, बटन हॉवर, सीडो सेलेक्टर, बॉडी के लिए, कंटेनर क्लास के लिए, तो सारे स्टाइल्स यहाँ पे सेट हैं। तो इन केस आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको स्टाइलिंग के बारे में कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप मेरे CSS ट्यूटोरियल में जाके ये डिटेल में सीख सकते हैं कि स्टाइल रूल हम कैसे सेट करते हैं। तो स्टाइलिंग करने के बाद जब मैं अपने इसी पर्टिकुलर ऐप को रिफ्रेश करूंगा
तो हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अब मैंने स्टाइल रूल्स अप्लाई कर दिए, तो मेरा जो ऐप है उसका रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐप के पूरे लुक्स मुझे मिल गए, लेकिन फंक्शनैलिटी अभी मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी तक जावास्क्रिप्ट का कोड इस पर्टिकुलर फाइल के साथ लिंक नहीं किया है। मतलब जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है वो मेरी अभी ब्लैंक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब न्यू जॉब पे भी क्लिक करेंगे, ट्वीट पे क्लिक करेंगे, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इस पे वर्क नहीं किया है। तो हम अब जाते हैं, जो मेन हमारा टारगेट है जावास्क्रिप्ट समझने का, उस पे जाते हैं। अभी देख रहे हैं कि नीचे लाइन नंबर 29 में स्क्रिप्ट टाइप टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इस पर्टिकुलर मार्कअप के थ्रू मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल के साथ अपनी एचटीएमएल फाइल को लिंक किया हुआ है। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस अभी ब्लैंक है मेरी, इसको मैं बिल्डअप करूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये इसका कौन सा पार्ट क्या फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करेगा हमारे ऐप के अंदर। अच्छा, अब आप थोड़ा सा मैं मार्कअप आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि थोड़ा मैं आइडिया ओवरव्यू रहे कि हमारे मार्कअप में है क्या। एक तो कंटेनर डिव है, जो अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो वाइट में हमें दिख रही है, जिसके अंदर की हमारा हेडिंग, जो का टेक्स्ट और दोनों बटन्स हैं, वो हमारी कंटेनर डिव है। कंटेनर डिव के अंदर हमारा हेडिंग एलिमेंट है, जो कि डैड जोक्स और एक स्माइली फेस है, जो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है, जिसके अंदर लिखा है जोक टेक्स्ट गोज इन हियर। अब पैराग्राफ एलिमेंट की जो क्लास है वो आप देखें जोक टेक्स्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं इस क्लास को टारगेट करके इसके अंदर के कंटेंट को चेंज करूंगा। मतलब एवरी कॉल ऑफ न्यू जॉब मैं इस कंटेंट को चेंज करने वाला हूं, तो ये जो क्लास है लाइन नंबर 16 पे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि बटन वाला डिव है, जिसके अंदर दोनों बटन प्लेस्ड है मेरे। तो बटन एक है जिसकी क्लास है न्यू जॉब बटन, और दूसरा एक बटन हाइपरलिंक को हमने बटन का क्लास दे रखा है। तो उस हाइपरलिंक के अंदर इनिशियली जो लिंकेज है एचआरएफ इक्वल टू ब्लैंक, मीन्स अभी तक उसको हमने किसी चीज के साथ लिंक नहीं किया हुआ, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारा पर्पस क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसके एचआरएफ एलिमेंट को ट्विटर के लिंक के साथ, यूआरएल के साथ लिंक करेंगे, ताकि हम लॉग इन करके ये वाला पर्टिकुलर जोक अपने एक्स हैंडल पे पुट इन कर सके, शेयर कर सके। तो अब हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हैंडल करेंगे, और कैसे बटन क्लिक पे हम एक एपीआई को कॉल करके उसके डेटा को हैंडल करके अपने पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले करेंगे। सो स्क्रिप्ट बिल्ड करने के लिए पहला टास्क क्या रहता है हमारा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन जो आपके एलिमेंट्स हैं, मैं फिर से इस पे ले जाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं जिन पे मुझे कुछ एक्शन लेना है या जो डायनेमिक है। एक तो जहां पे जोक टेक्स्ट गोज इन हेयर वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो बटन है न्यू जोक वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फेच के थ्रू कॉल करता है एपीआई को और उसका डेटा हैंडल करता है और उसको जोक टेक्स्ट गोज इन हेयर वाले पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले करता है। और तीसरा ट्वीट वाला बटन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्वीट बटन में हमें हर बार डिफरेंट टेक्स्ट भेजना है, तो ये भी डायनेमिक है, तो इसका जो एच आर एफ एट्रीब्यूट है वो डायनेमिक वैल्यू लेगा एवरी टाइम वो एच आर एफ एट्रीब्यूट हम चेंज करेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट, ताकि हर बार मेरे एक्स हैंडल पे करंट जोक का टेक्स्ट जा सके। तो अब हमारा टारगेट एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर क्या रहता है, कि सबसे पहले तो हमें ये जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके साथ कनेक्ट करना है किसी वेरिएबल नेम के थ्रू, ताकि हम उस वेरिएबल नेम के जो भी एक्शन करेंगे वो हमारे इस एचटीएमएल एलिमेंट पे एक्शन होगा। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ, फिर से मैं एचटीएमएल पेज पे जाता हूँ और देखता हूँ कि इनमें जो एलिमेंट्स थी मैंने आपको पॉइंट आउट किया, उनमें सबसे पहले एलिमेंट का जो क्लास है वो क्या, जोक टेक्स्ट है। सो जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन है, जिसके थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को उसके किसी एट्रीब्यूट के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल ले लेंगे जोक टेक्स्ट, जिसको पॉइंट करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन के थ्रू ऐसे एलिमेंट के ऊपर जिसकी क्लास जोक टेक्स्ट है। जावास्क्रिप्ट में क्लास को रेफर करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। सो डॉट जोक टेक्स्ट मीन्स डॉक्यूमेंट में से ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट कर लो जिसकी क्लास है जोक टेक्स्ट। सो अब जोक टेक्स्ट वेरिएबल हमारा उस पैराग्राफ एलिमेंट पे रेफर करता है, तो जो भी हमें पैराग्राफ एलिमेंट पे करना है वो हम जोक टेक्स्ट के थ्रू, वेरिएबल के थ्रू परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, वो हमारा बटन है जिसके थ्रू हमने फेच एपीआई के थ्रू कॉल करना है अपना
एपीआई ऑन द इंटरनेट, जिसके थ्रू हमें फ्रेश जॉब डिलीवर होगा। हम देखते हैं कि उस बटन का क्लास है न्यू जॉब बटन। तो फिर से हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करके न्यू जॉब बटन क्लास को रेफर करके इस बटन पे इस वेरिएबल को पॉइंट कर देंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस हो जाए। अब इस वाले वेरिएबल को मैं डिफरेंट नेम दूंगा ऑब्वियसली, तो मैं इसका नेम देता हूँ न्यू जोक बीटीएन, राइट, शॉर्ट फॉर न्यू जोक बटन। और ऑब्वियसली ये मेरी क्लास किसको रेफर कर रहा है, न्यू जोक बीटीएन को, तो ये अंदर से क्लास वाला भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो न्यू जोक बीटीएन। सो जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट को एंड करते हैं सेमीकोलन से, तो सेमीकोलन भी यहां पुट इन कर देंगे। अब थर्ड वाला एलिमेंट जो है हमारा ट्वीट वाला बटन, उसका भी क्लास हम रीड कर लेते हैं यहां से। तो वो क्या है, ट्वीट हाइफन बीटीएन। सो ट्वीट हाइफन बीटीएन को रेफर करने के लिए फिर से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं। उस वेरिएबल को मैं नेम देता हूं ट्वीट बीटीएन। सो कॉपी पेस्ट मैं टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस करने के लिए कर रहा हूं। पूरा का पूरा हम टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस करने के लिए हम कॉपी पेस्ट करके जो रेलेवेंट वैल्यूज हैं उनको चेंज कर दें। तो हमारा न्यू वेरिएबल यहां क्रिएट हो गया। सो अब ये तीन वेरिएबल्स हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स को रेफर करते हैं। सो हम लिख सकते हैं एक कमेंट, रेफर टू एचटीएमएल एलिमेंट्स। पहला टास्क कंप्लीट, हमने तीनों रेलेवेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको पॉइंट करने के लिए हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि अभी तक ये बटन कुछ भी परफॉर्म नहीं करता, न्यू जोक बटन। अब हम न्यू जोक बटन के साथ एक इवेंट एसोसिएट करना चाहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट के साथ हमें इवेंट हैंडलर, मतलब क्या इवेंट होने के पे क्या फंक्शन रन करेगा, ये करने के लिए हम एड इवेंट लिस्नर फंक्शन यूज करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जोक बीटीएन के साथ, जोक बटन के साथ क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन एसोसिएट करना है। तो मैं न्यू जोक बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्नर फंक्शन यूज करके क्लिक इवेंट के साथ अपनी रिक्वायरमेंट वाला फंक्शन एसोसिएट कर दूंगा। तो मैं कहता हूं मुझे पता है कि मैं जोक बटन को इस वेरिएबल के थ्रू रेफर कर सकता हूं। सो मैं न्यू जोक बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्नर फंक्शन कॉल करता हूं और क्लिक इवेंट के साथ मैं एक फंक्शन एसोसिएट कर देता हूं। अभी ये फंक्शन मैंने क्रिएट नहीं किया, हम ये फंक्शन क्रिएट करेंगे अभी नीचे कोड करेंगे। ये टास्क कर लिया मैंने। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो ये फंक्शन कॉल हो, तो हम ये फंक्शन डेवलप करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड के साथ हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रेसिस के अंदर फंक्शन की बॉडी देते हैं। सो अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको ये वाला फंक्शनलिटी रन करके दिखाता हूं कि ये इवेंट लिस्नर कनेक्ट करने के साथ क्या परफॉर्म होगा हमारे डॉक्यूमेंट में। तो करके देखते हैं, रन करके देखते हैं इसे, राइट। अब ब्राउजर विंडो में जाते हैं और यहां पे ना मैं एक अलर्ट विंडो कॉल कर देता हूं। मैं कहता हूं इसमें मैसेज देता हूं गेट न्यू जॉब, और अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूं। तो हम जब न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे, अब क्योंकि न्यू जॉब के क्लिक इवेंट के साथ कौन सा गेट जॉब फंक्शन एसोसिएट हो चुका है, तो गेट जॉब फंक्शन के अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है कि अलर्ट मैसेज दे दो विंडो पे गेट न्यू जॉब। तो करते हैं क्लिक, लेट्स सी। सो हम देख रहे हैं कि जैसे हमने किया रीलोड किया पेज को, तो ये रिफ्रेश हो गया ऑब्वियसली इसका कोड, और जब मैंने क्लिक किया न्यू जॉब पे तो गेट न्यू जॉब मुझे स्क्रीन पे नजर आ गया। अब मेरा ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे तो अभी इसको इसमें कोडिंग करके जोक टेक्स्ट कोजी नियर पे नया जोक हमें दिखलाना है। तो उसके लिए हम आगे स्टेप पे मूव करते हैं। तो अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के साथ एक फंक्शन एसोसिएट करते हैं। तो न्यू जोक बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक गेट जोक। अब गेट जोक फंक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें एक एपीआई रिक्वेस्ट करनी है। सो इस फंक्शन के अंदर हमें
एक एपीआई रिक्वेस्ट करनी है, तो उस एपीआई को रिक्वेस्ट करने के लिए मैं फेच कमांड यूज करूंगा। सो सबसे पहले तो मुझे एपीआई का यूआरएल मींस की एपीआई का इंटरनेट एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो काफ़ी एपीआईज हैं जो नेट पे जो फ्रीली अवेलेबल हैं, और उन्हें यूज़ करके आप अपनी ये जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रेलेवेंट डेटा भी है, काफ़ी डेटा भी ऐसा है जो आप मीनिंगफुल डेटा है जिसके थ्रू आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस भी सीख सकते हो। सो यहाँ पे जो मैं एपीआई यूज़ करने वाला हूँ वो आई कैन हैज़ डैट जोक डॉट कॉम वेबसाइट का एपीआई यूज़ करूँगा। तो हम एक कमेंट लिख देते हैं, सो मैं कहता हूँ मेक एन एपीआई कॉल। सो एपीआई कॉल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का फेच फंक्शन कॉल करते हैं, और उसके अंदर हमें एपीआई का एड्रेस देना पड़ता है। तो एपीआई का एड्रेस आई कैन हैज डीएडी डैट जोक डॉट कॉम, ठीक है, ये एपीआई मैंने कॉल कर दिया। अब इसमें जो फेच वाला जो फंक्शन है इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसके अंदर एक तो पहला जो पैरामीटर जाता है वो तो ये जाता है कि किस एपीआई को कॉल किया हमने, उसके बाद इसके अंदर हम हेडर्स पास कर सकते हैं। सो हेडर्स में क्या क्या रहता है कि ये जो डेटा रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी। सो कर्ली ब्रेस के अंदर हमने हेडर्स पास किए से जिसके अंदर के मैं डेटा की टाइप स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। सो एक्सेप्ट मीन्स किस तरह का डेटा मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ, किस तरह का डेटा वहां से आने वाला मुझे। सो जेसन डेटा आने वाला है मुझे, तो जेसन डेटा के लिए मैं एप्लीकेशन हाइफन जेसन, तो ये फिक्स्ड है, ये जो आपको देना है ये फिक्स्ड है। अगर आपको जेसन डेटा मिलेगा एपीआई को कॉल करने में तो हेडर में आपको एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन यहाँ पे पास करना पड़ेगा। उसके बाद ये पास करने के बाद नेक्स्ट आप हेडर पास करने के बाद नेक्स्ट आप फेच वाली कमांड का नेक्स्ट स्टेप यहां पे देते हैं। देन का पार्ट तब रन करता है अगर आपका जो कॉल है वो सक्सेसफुल होता है। सो देन के अंदर आपको एक फंक्शन देना पड़ता है जो इस डेटा को हैंडल करने का आपको प्रोसेस देता है। फेच मेथड में जो डेटा रिटर्न है उसे हम यूज करके डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे देन में हम देखते हैं कि डेटा को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंसोल डॉट लॉग देते हैं, एक सक्सेस मैसेज देते हैं ताकि हम स्क्रीन पे ये देख सकें कि हमारा जो फेच था वो सक्सेसफुल था। तो फेच देन, सो जब भी फेच सक्सेसफुल होता है तो देन वाले ब्लॉक में हमारा कंट्रोल फॉल करता है, और यहाँ पे हम डेटा को हैंडल करने की कमांड लिखते हैं। सो जब ये करने के बाद हम रीलोड करेंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट कंसोल है उसमें सक्सेस यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब हमारा टारगेट है, हमें ये जो देन ब्लॉक है इसके अंदर हमें डेटा को प्रोसेस करना है। जो ये एपीआई डेटा रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, उसे हमें जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जेसन कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो रिस्पॉन्स डेटा जो रिटर्न हुआ उसे JSON जेसन फंक्शन के थ्रू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये करने के बाद इसके साथ हमें एक और देन का ब्लॉक चेन इन करना पड़ेगा, जिस देन के ब्लॉक में हम इस प्रोसेस डेटा को फर्दर हैंडल करेंगे। यहाँ पे इस फंक्शन में हम डेटा को डेटा नेम दे सकते हैं, और इस डेटा को अब हमें प्रोसेस करना है। सो इन केस मैं डेटा को यहाँ पे सीधे ही हैंडल करता हूँ और इसको एज इट इज डिस्प्ले कर देता हूँ, सो उस केस में क्या होगा, डेटा का पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे व्यू कर सकता हूँ। सो मैं फिर से कंसोल में ही
ये इन्फॉर्मेशन लॉक कर देता हूँ। सो डेटा जो है उसे मैं कंसोल में लॉक करके डिस्प्ले कर देता हूँ। सो फिर से ब्राउजर में जाके ब्राउजर रीलोड करने के बाद जब मैं ये न्यू जॉब बटन क्लिक करूँगा तो सक्सेस मैसेज के साथ ही नीचे हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा डेटा जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे अगर हम डेटा का ब्रेकअप देखते हैं तो बीच में जो जिस पर्टिकुलर की में हम इंटरेस्टेड हैं वो आईडी के बाद आप देख रहे हैं जोक। सो जोक की है, सो जोक की में हमारा जोक का एक्चुअल जो मैसेज है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम डॉट नोटेशन के थ्रू ये एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा की जगह अगर मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट जोक करूँगा तो डेटा में से जोक की का कंटेंट मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहले ये कंटेंट को मिरेज करते हैं और फिर पेज को फिर से रीलोड करके न्यू जोक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक की वैल्यू हमने जोक की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब हमारा टारगेट है कि हमें ये जो जोक कंटेंट है ये हमें पर्टिकुलर पैराग्राफ के बीच में डिस्प्ले करना है जहाँ पे कि जोक का टेक्स्ट होना चाहिए हमारा। तो वो डिस्प्ले करने के लिए हमने जब हम ऊपर देखेंगे यहाँ पे हमने जो नेम दिया था इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को तो जोक टेक्स्ट करके हम देखते हैं हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। जोक टेक्स्ट वेरिएबल यूज करके हम पैराग्राफ को ये कंटेंट दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जोक के नाम से और डेटा डेट डॉट जोक इसमें स्टोर कर दूंगा और उसके बाद मैं जोक टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू जोक यहां पे ये स्टेटमेंट राइट कर दूंगा। और अब हम देखते हैं इस चेंज के बाद इनके इसमें ब्राउजर विंडो में जाके पेज रिफ्रेश करके न्यू जोक बटन पे क्लिक करता हूं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यहां पे जो जोक टेक्स्ट है उसके अंदर मुझे ये न्यू जोक का कंटेंट यहां पे व्यू हो जाएगा। सो फिर से क्लिक करते हैं न्यू जोक पे तो इस तरह से जो जोक टेक्स्ट है उसका जो कंटेंट है वो हम बार बार रिफ्रेश कर सकते हैं न्यू जोक बटन पे क्लिक करके। सो अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि जो ट्वीट बटन है ट्वीट बटन पे क्लिक करने पे हम अपने एक्सेंडर पे जाने चाहिए और जो कंटेंट इस जोक का है वो हमारे एक्सेंडर पे पोस्ट होना चाहिए। सो ये करने के लिए अब हम ट्वीट वाले बटन के साथ कनेक्ट करेंगे और ट्वीट बटन का जो एचआरएफ एट्रीब्यूट है उसे हम चेंज कर देंगे और उसमें न्यू टेक्स्ट का टेक्स्ट कंटेंट हम वहां पे दे देंगे। तो यहां पे हम हैंडल करते हैं जो ट्वीट लिंक है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। सो मैं एक वेरिएबल यूज करते हैं इसका नेम देते हैं हम ट्वीट लिंक और उस वेरिएबल में हम ट्विटर का यहां पे लिंक दे देंगे और साथ में उसके जोक कंटेंट जो है अपना वो हम अटैच कर देंगे। तो यहां पे हम स्ट्रिंग लिटरल के लिए बैक टिक यूज करते हैं और उसमें हम पूरा ट्विटर या एक्स का हम पाथ पास कर देते हैं और उसमें टेक्स्ट हम पास करेंगे जो वेरिएबल। ये करने के बाद हम ट्वीट बटन का एचरेफ एट्रीब्यूट सेट करेंगे और उसे ट्वीट लिंक हम कंटेंट सेट कर देंगे इस फंक्शन को जिससे कि जो ट्वीट बटन है उसका लिंक हमारा करंट लिंक हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट अभी हमारे जोक वाले बॉक्स में है वही टेक्स्ट हमारा जो एक्सेंडर पे सेंड किया जाएगा।
सो लाइन नंबर 25 अगर आप देखते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग लिटरल यूज करके हमने जोक वेरिएबल का कंटेंट जो है वो यहाँ पे ट्विटर या एक्स हैंडल के साथ हमने अटैच कर दिया ताकि वो हमारे जो अकाउंट में एज अ ट्वीट पोस्ट हो सके। सो ये करने के बाद हम अब एरर हैंडलिंग भी करनी है। तो कई बार क्या होता है कि आपका ड्यू टू नेटवर्क बैंडविड्थ प्रॉब्लम, नेटवर्क स्लो होने की वजह से या सर्वर एंड पे कोई इशू होने की वजह से हमारा ये API हो सकता है वर्क ना करे। सो जब हमारा ये API वर्क नहीं करेगा उस केस में हमें यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए फेच कमांड में कैच कीवर्ड यूज करना पड़ता है। सो इन केस कोई भी एरर होती है तो कैच वाला कोड ब्लॉक रन करता है और उस कोड ब्लॉक में जो भी कंटेंट हम देते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है कंटेंट। सो हम कैच के अंदर यहाँ पे एरर हैंडलिंग वाला कोड स्पेसिफाई करेंगे और ये भी जो है फंक्शन फॉर्मेट में होगा। सो इन केस कोई भी एरर क्रॉप अप होता है, कोई भी एरर ट्रिगर होता है तो जोक टेक्स्ट का इनर टेक्स्ट हम इक्वेट कर देंगे सम और हम एरर हैपेंड या इस तरह से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे जोक टेक्स्ट के अंदर। सो यहाँ पे जोक के कंटेंट की जगह पे हमें ये एरर टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जब इनकेस एरर अकर करता है तो हमें ट्वीट बटन से HRF एट्रीब्यूट भी रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि जो लास्ट गिवन वैल्यू होगी वो अब रेलेवेंट नहीं है। तो उसके लिए हम रिमूव एट्रीब्यूट फंक्शन यूज करेंगे। सो ट्वीट बटन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट और HRF एट्रीब्यूट हमें वहां से रिमूव करना है। तो ये जो एट्रीब्यूट HRF है वो हमारा ब्लैंक हो जाएगा और ट्वीट बटन अब किसी भी आगे URL के साथ लिंक नहीं करेगा। और ये करने के बाद हम एरर का जो टेक्स्ट है वो कंसोल पे लॉक कर देंगे ताकि एरर हैंडलिंग हम प्रॉपर यहाँ पे कर सकें। सो ये चेंजेस लाने के बाद हम फिर से रीलोड करते हैं इस पेज को और हम यहाँ पे जब न्यू जॉक पे क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि वो नया जोक अपडेट होकर हमारा ये टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आ जाएगा कंटेनर के अंदर। और इनकेस ट्वीट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक्स हैंडल पे चले जाएगा और उसके ऊपर ये जोक का कंटेंट हम शेयर कर सकते हैं शेयर बटन को यूज करके। इस मिनी प्रोजेक्ट का कोड आपको गिटहब के लिंक पे मिल जाएगा जो कि वीडियो के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हैप्पी कोडिंग।